सुप्रीम कोर्ट ने जो भर्सना की मुखर्जी को और वो शेमलेस वर्ड उन्होंने यूज किया इस शेमलेस एक्ट एक औरत के लिए एक नारी के लिए ऐसा है कि जैसा मैंने सुना है जिन मातृशक्ति का नोएडा वाली देवी का नाम लेते हैं उन्होंने क्षमा मांग ली। अच्छा, यह भी सत्य है क्या? मुझे उन्होंने क्षमा मांग ली तब उनको सोचना चाहिए था अगर यदि क्षमा मांगनी है तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो। जी जी, अगर वादी भी रहती तब तो ठीक है, अगर उन्होंने क्षमा मांग ली तो अपना दोष उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ विविध प्रांतों में अवसरवादियों ने उन पर केस कर दिया। अब उनकी मान्यता है कि दिल्ली में एक ही जगह वो केस आ जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं नहीं, जहाँ जहाँ केस किया गया है वहाँ वहाँ आपको जाना होगा। इससे स्पष्ट हो गया कि कहीं भी उनके साथ कोई अभद्र घटना घट जाए ऐसा वातावरण देश में बना दिया गया है। लेकिन वे हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद भगवान का स्मरण करके रणचंडी नहीं वरदहस्त सबके ऊपर रखकर आगे जाए भगवान की तरफ रखते हैं। क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न कीजिए। चौखंबा वाराणसी से प्रकाशित शुक्र नीति संस्कृत टीका हिंदी अनुवाद से लीजिए, पूरी में भी भुवनेश्वर में भी वो ग्रंथ शहर उपलब्ध है। शुक्र नीति संस्कृत टीका हिंदी अनुवाद से लीजिए, उसमें 32 विद्या 64 कलाओं का वर्णन है, न्याय की विधा का भी वर्णन है। एक व्यक्ति जो पूरे सनातन सिद्धांत को समझना चाहता है और एक ही ग्रंथ का आलम्बन लेकर उसके लिए शुक्र नीति पर्याप्त है। उसमें 32 विद्या 64 कला का वर्णन है, न्याय की विधा का वर्णन है, जगत की उत्पत्ति आदि का वर्णन है। एक बार आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो हिंदी अनुवाद से शुक्र नीति पढ़ लीजिए, आपको विविध कलाओं का ज्ञान हो जाएगा और उस कला के अनुसार व्यक्ति को प्रशिक्षण कीजिए दीजिए। युद्ध की कला भी होती है, बोलने की कला भी होती है, नृत्य की कला भी होती है और भी कला और विद्या में अंतर क्या है शुक्र नीति में बताया गया। वाक के द्वारा जिसकी निष्पत्ति होती है उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति गूंगा भी नृत्य कर सकता है, चटाई बिन सकता है, वाणी का उपयोग किए बिना भी जिस कृत्य का निर्वाह होता है उसका नाम कला है। विद्या और कला की विभाजक रेखा का वर्णन भी शुक्र नीति में है। आजकल साइंस और आर्ट के रूप में विद्या और कला की पहचान है, वहाँ पूछिए।